दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। फटाफट फटाफट सभी लोग बता दीजिए कि क्या मैं लाइव हूं, ताकि आपको और ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो का एक बार चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि एकदम बढ़िया तरीके से क्या आपको सुनाई दिखाई, सब कुछ एकदम जोरदार, सब कुछ एकदम जबरदस्त। ये सर आ जाएंगे फटाफट फटाफट। आज का हमारा ये जबरदस्त सेशन होने वाला है बेटा, और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग 1% कंपनी के बारे में पूरा पूरा जानने वाले। एक बात मैं आपको बता दूं, 24th of April से, क्या कहा मैंने, 24th of April से एकाग्रता बैच चालू हो रही है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी कि आने वाले मंडे से हमारा 9 बजे सेशन होने वाला है। सबसे पहला सेशन मैं लेने वाला हूँ एकाग्रता बैच का। एकदम जबरदस्त, एकदम औसम और एकदम धुआंधार सेशन रहने वाला है। तो फटाफट अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, एंड डू यूज द कोड IG सर अगर आपको हमसे पढ़ के मजा आ रहा है। चलिए अब शुरुआत करेंगे हम लोग आज के इस ऑसम से सेशन की। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो सर 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 बताओ, देखो एक मिनट, अभी हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन 8 कंपनी पढ़ना है सर, सेक्शन 8 कंपनी, यस। चलिए आइए देखिए, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सेक्शन 8 कंपनी को अभी हम लोग देखने वाले हैं, सेक्शन 8 कंपनी को अभी हम लोग पढ़ने वाले, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से, एक एक सारी सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। सभी लोग फोकस करते रहिएगा स्क्रीन के ऊपर और एकदम बढ़िया तरीके से देखिएगा जो भी चीजें हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलो सुनो, सबसे पहली बात, सेक्शन 8 कंपनी होता क्या है। तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है दोस्तों जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए आती है। क्या बोल रहा हूं मैं, सभी लोग बताइएगा सर, सेक्शन 8 कंपनी मतलब यहां पे क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए आती है। किसके लिए आती है बोलो सभी लोग, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए आती है। सर ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, ये होता है कि ये किसी ना किसी कोई ना कोई सोसाइटी के लिए कुछ हित में करने के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए ये कंपनी आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने बीइंग ह्यूमन करके एक नाम सुना होगा। अब ये जो बीइंग ह्यूमन है ना, ये बीइंग ह्यूमन बेटा बेसिकली क्या करती है, ये मर्केंडाइज प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपके साथ, टी शर्ट, शर्ट, कैप्स, उसके बाद जीन्स, साइकिल्स, और ये सारी चीजें यहां पर बनाती है। अब ये धीरे धीरे अपने रेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लोग एक बिजनेस ही चला रहे हैं, ठीक है। ओके सर, बिजनेस चला रहे, इस बिजनेस को करने के बाद बिजनेस से क्या जनरेट होता है दोस्तों, प्रॉफिट जनरेट होता है। अब बिजनेस से जब प्रॉफिट यहां पे जनरेट होता है ना, तो ऐसे केस के अंदर सुनिए दोस्तों, ये प्रॉफिट को ये किसी ना किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, या किसी ना किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए ये इसे अप्लाई कर देते हैं। सर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे बीइंग ह्यूमन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो वो अपना पैसा जो है वो कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए पैसा लगवा देते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ऐसे अलग अलग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपने स्कूल बनवा दिया है ना, आपने कोई रोड बनवा दिया, आपने प्लांटेशन किए, ऐसे अलग अलग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो डिफाइंड किए गए सेक्शन 8 के अंदर। तो इनका कहना है कि जब भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करती है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, ना कि डिविडेंड बांटने के लिए, ना कि फिर से धंधा करने के लिए, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी, या वो कंपनी को प्यार से बोला जाता है क्योंकि वो सेक्शन 8 में बिलोंग करती है, तो सेक्शन 8 कंपनीज हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं सभी लोग बताइए, सेक्शन 8 कंपनी हम लोग यहां पे कहते हैं, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। सर आप ये कह रहे हो कि ये जो कंपनीज होती है ना, ये कंपनीज ने बेटा प्रॉफिट जनरेट किया, तो ये प्रॉफिट को मतलब मेंबर्स लोगों को नहीं बांट सकती क्या? नहीं दोस्तों, ये मेंबर्स लोगों को डिविडेंड के तौर पर नहीं बांट सकती। इनको अपने प्रॉफिट को केवल और केवल किसके लिए अप्लाई करना है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है। सर ऐसा कर सकती है क्या कंपनी की, प्रॉफिट जनरेट किया, कुछ अपने पास रखा, थोड़ा सा अमाउंट इन्होंने अपने पास रखा ताकि ये लोग बिजनेस कर सके? हाँ बेटा, वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तब आप बिजनेस में कमाओगे और तभी तो आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स दे पाएंगे ना। तो ऐसे केस के अंदर आप वो कर सकते हो कि अमाउंट को आपने अपने पास रखा रिजर्व के तौर पर, एंड देन एक बार जैसे ही आप लोगों ने वो पैसे को यूटिलाइज किया और प्रॉफिट जनरेट किया, फिर से आप चैरिटेबल एक्टिविटीज में लग गए, तो आप वैसी चीजें बिल्कुल कर सकते हैं। काफी लॉजिकल भी है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो क्या सर इसके शेयर मार्केट में जाते हैं क्या? नहीं दोस्तों, इसके शेयर मार्केट में नहीं जाते, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर साथ में आते हैं जिनको इच्छा होती है देशभक्ति की,
जिनको इच्छा होती है सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट लाने की, तो ऐसे केस के अंदर वो मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, उनसे लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद सेक्शन 8 वाली कंपनी या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी खोलते हैं। ऐसे केस के अंदर आप और मैं इसके शेयर्स नहीं ले सकते। अगर आपको इच्छा है तो आप ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर डिसाइड कर सकते हो। आपको इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आपको बहुत सारे अलग अलग टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जब आप सेक्शन 8 वाले कंपनी, क्योंकि यार देखो आप इतने अच्छे हित के लिए काम कर रहे हो यार, तो गवर्नमेंट का कहना है हमारा भी फर्ज बनता है आपको मदद करना ऐसे अच्छे वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट भी आपको अपने तरीके से, समझिए बात को, गवर्नमेंट भी आपको अपने इससे कुछ बेनिफिट करना चाहती है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे केस के अंदर सेक्शन 8 कंपनी को बोला जाता है। सर सेक्शन 8 कंपनी का रोल कॉल यहां पे आ जाता है। क्या आप इस बात को सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, है ना? चलिए आइए दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, मैं आपको कुछ रीड कराऊंगा, रीड कराते कराते समझाते हुए चलूंगा और उसके बाद हम लोग फिर से एक बार पूरा रिवाइज करेंगे कंसेप्ट को। चलो देखो, सबसे पहली चीज, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विच आर फॉर्म्ड। देखो यहां पे क्या बात कर रहा है, सेक्शन 8 मतलब ऐसी कंपनीज होती है जो बनाई गई है। बेटा क्या बनाई गई है, सभी लोग बताइए ना, ये बनाई गई है, मतलब ऐसी कंपनी बनाई गई है। सबसे पहली चीज, टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, किसके लिए सभी लोग बोलो, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों सर ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई कॉमर्स को, कोई आर्ट को, कोई साइंस को, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग कहते हैं कि सेक्शन 8 वाली कंपनीज यहां पे आती है। ये वाली बात यहां पे की जा रही है। अर्पिता चौधरी, आपने बिल्कुल गलत एग्जांपल दिया। आप बच्चे कह रहे हैं सर टाटा इसका एग्जांपल होगा क्या? नहीं दोस्तों, समझिए बात को, जो टाटा कंपनीज है वो चैरिटी करती है पर वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं है दोस्तों, समझिए बात को। हाँ, लेकिन अगर चैरिटी ट्रस्ट उन्होंने खोल के रखा है, वो अगर, वो मैं नहीं जानता सेक्शन 8 में रजिस्टर किया या नहीं किया करके, या ट्रस्ट में भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ, एज सच टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, आप उसे चैरिटेबल, मतलब एक आप सोच के देखिए, आप रिलायंस ने मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए कमाया, अब उसमें से अगर उन्होंने 50 लाख की चैरिटी किया तो आप क्या बोलेंगे, आप चैरिटेबल कंपनी बन गए करके, तो आपको क्या डिविडेंड नहीं आता क्या टाटा से, या रिलायंस से टाटा नहीं आता क्या? समझिए बात को, ऐसा नहीं है। जैसे इंफोसिस फाउंडेशन, आप समझ रहे हैं बात को, इन्फो, ये सेक्शन 8 कंपनी है, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं क्या बात को, ये अपने आप में एक अलग कंपनी होती है दोस्तों, समझिए बात को। मैं बात कर रहा हूं यहां पे इंफोसिस अलग, वो एक कंपनी है, मैं यहां पे फाउंडेशन जो इन्होंने लिखा ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं यहां पे, है ना? तो इन्होंने अलग से जब सेक्शन 8 के लिए रजिस्टर कराया दोस्तों खुद को, तो हम लोग कहेंगे कि वो चीजें क्या होती है, वो चीजें सर यहां पे आती है। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इंडिया में जानी मानी सेक्शन 8 कंपनीज को देखेंगे। सेक्शन 8 कंपनीज ऑफ इंडिया, है ना? चलिए ये ठीक है, टॉप 8 सेक्शन 8 कंपनीज इन इंडिया करके चलिए देखो कौन सी सेक्शन 8 कंपनी है। तो ठीक है, इंफोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात किया था कि वो नहीं हो सकते। फिर उसके बाद रिलायंस रिसर्च इंस्टीट्यूट करके, उसके अलावा आपने और किसी चीज को आपने शायद नहीं देखा होगा, बाकी तो आपने नाम नहीं सुने होंगे। हाँ, लेकिन आपने 3-4 नाम आपने जरूर से बिल्कुल सुने होंगे। ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है, क्या आप इस बात को समझे दोस्तों? मतलब इनका काम एक प्रकार से सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है क्या? हाँ, एनपीओ, एनजीओ आपने सुने होंगे ना, ये ऐसा ही काम करते हैं, ऐसा मैं यहां पे कह सकता हूं, बराबर ना? यस सर, देखिए इट इज अ, सबसे ऊपर क्या लिख रहा है देखिए दोस्तों, ये निया को बोलो, बाद में बात करेंगे। चलो देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे, देखो Infosys Foundation, it is a not for profit organization formed to support the unprivileged section of society. देखो ये मोस्टली प्रोग्राम क्या करते हैं, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड मोर करके। लेकिन रिलायंस वाला देखो, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट्स एंड कल्चर। अभी बेटा अभी एकदम लेटेस्ट में नीता अंबानी का वो आर्ट कल्चर ऐसा कुछ तो भी खुला ना, वो आर्ट गैलरी या कुछ तो ऐसा, समझना बात को। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कल्चर को जो प्रोवाइड करे, समझिए बात को, कल्चर को जो प्रमोट करे, है ना, जो आर्ट को प्रमोट करे, जो
एजुकेशन को प्रमोट करे, जब उस चीज के लिए हम लोग पैसा देवे तो उस चीज को सेक्शन 8 कंपनी का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या आप इस बात को दोस्तों समझ रहे हैं क्या, बोलिए ना मुझे जल्दी से, है ना। चलिए बैक टू द स्क्वायर वन, आइए देखिए क्या बोला। तो हमने क्या किया, सेक्शन 8 कंपनी बनी ही क्यों है, ये प्रमोट करना चाहती है कौन सी चीज को, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करना चाहती है दोस्तों। मतलब सर ये कंपनी होती है अपने आप में, हाँ ये कंपनी अपने आप में, और ये सेक्शन 8 का काम कर रही है, मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स का काम कर रही है। ठीक है सर, ओके डन है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोला जा रहा है, सच कंपनी टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी कंपनी, ऐसा नहीं है कंपनी धंधा नहीं करती, कंपनी धंधा करती है बेटा, समझिए कंपनी प्योर धंधा, मैंने आपको बींग ह्यूमन बताया, कंपनी धंधा करती है दोस्तों, लेकिन जो भी प्रॉफिट कमाया ना उसको कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लगा देती है। तो ऐसे केस के अंदर जो आपने इसको सल्लू भाई बोले कि मेरे को भी थोड़ा पैसा दो करके, हम बोलेंगे सॉरी हम आपको पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी है, वो डिविडेंड नहीं बांट सकती। यहाँ पे लिखा है देखो, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू द मेंबर्स। हम लोग क्या मेंबर्स को डिविडेंड देते हैं क्या दोस्तों? नहीं सर, मेंबर्स को डिविडेंड हम लोग नहीं देते हैं। ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे चल रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस कांसेप्ट को सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या, बोलिए ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को, क्या आप इस कांसेप्ट को सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या, है ना। यस सर, चलिए आइए अब देखो। तो सर यहाँ पे क्या क्या हुआ बताइए। अब देखो, अब आप बोलोगे सर हम लोग इसको कैसे याद रखें, कितना डिफिकल्ट है इसको याद रखना चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को, कितना आसान है। देखिए स्कूल में क्या क्या होता है, आर्ट कॉमर्स साइंस होता है ना, हाँ सर, स्पोर्ट्स भी होता है, कहने के लिए एजुकेशन भी होता है, फिर उसके अलावा रिसर्च व लैब वगैरह रहती नहीं थी क्या, रिसर्च होता है, सोशल वेलफेयर, कभी कभार आपको पन्ने पकड़ा देते बोले डोनेशन लेके आओ, सोशल वेलफेयर हुआ बेटा, रिलीजन या चैरिटी होता है, जैसे चैरिटी वाले प्रोग्राम्स तो होते ही रहते। रिलीजन की मैं अगर बात करूँ, जैसे हमारे स्कूल में होता था रात्रि के समय एकदम अष्टमी वगैरह को खाना वाना खिलाया जाता था, है ना, तो ऐसे बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट वाली बात होती है, यहाँ पे झाड़ लगाओ, ये करो वो करो करके। तो स्कूल में जो जो हरकतें होती है ना, सारे हरकतों को याद कर लेना दोस्तों, है ना। जैसे देखो आर्ट कॉमर्स साइंस ये तो होता ही है सर, स्पोर्ट्स एजुकेशन कहने के लिए ऐसा याद रखना, उसके अलावा रिसर्च होता था सर, सोशल वेलफेयर, चैरिटी भी हुआ करती थी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट करके ऐसी वाली चीजें यहाँ पे बोली गई है। बस यही तो क्या है बेटा, यही तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, और इसी को प्रमोट करने के लिए कंपनी बनाई जा रही है। दोस्तों मुझे बताइए क्या डिविडेंड दिया जाता है सेक्शन 8 कंपनी में? इल्ले पाप है बेटा, पाप है, समझना बात को, पाप है, पाप है, पाप है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे, बोलिए मुझे क्या आप इस बात को सभी लोग समझे क्या, है ना। यस सर, चलिए आइए ध्यान दीजिए। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब हम लोग नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। सर कंपनी में फाउंडेशन मतलब, यार ये कैसा सवाल है भाई, अब मेरे इंद्रेश गांधी तो आप पूछ रहे, गांधी का मतलब, अरे वो कंपनी का नाम है, उनको वो नाम पसंद आया तो उन्होंने नाम रख दिया। अब जैसे आप ऐसा तो नहीं पूछ सकते ना आप इससे, अब ये मान लीजिए चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर इंटरनेशनल एंड इंडियन ट्रेड, तो आप बोल रहे सर ये कॉमर्स का मतलब क्यों आया करके यहाँ पे, अब वो उसका नाम है बेटा। अब तो यहाँ पे मान लीजिए सलोनी सिंह, आप पूछ रहे सलोनी क्या है करके, ऐसा थोड़ी हो गया, वो जो भी उसको पसंद आ रहे थे उनको नाम तो रख दिया उन्होंने। उनका बेसिकली ये फाउंडेशन क्यों यूज करते, इनका कहना है कि हमारी जो नींव है ना, मतलब ये ऐसा बताना चाहते हैं कि देखो ये ऊपर ऊपर जो तुमको धंधा दिख रहा ना सब मोमा है, हमारा फाउंडेशन तो मेन यही है करके, समझ रहे आप बात को, चैरिटी देना, ऐसा ये कहना चाहते हैं, ऐसा वो बताना चाहते हैं, लेकिन वो एक नाम ही है, ऐसा ये सोच के नहीं आए, ये मैं अपना अपनी चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलाओ दोस्तों अब ध्यान देंगे। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू लाइसेंस। बेटा यू ही आपकी इच्छा हो गई, आज अचानक से आप नींद से उठे, आपने मेरा लेक्चर देखा, अब आप एकदम मोटिवेटेड हो गए यहाँ पे, अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेरे को एक सेक्शन 8 कंपनी खोलना, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपको पहले मोदी जी से पूछना होगा, मोदी जी मैं सेक्शन 8 कंपनी खोलना चाहता हूँ, क्या मैं सेक्शन 8 कंपनी खोलूँ या नहीं खोलूँ करके, फिर मोदी जी आपको बताएंगे देख बालक देख वत्स, तू सेक्शन 8 कंपनी खोल सकता है या नहीं खोल सकता है करके, उसके बारे में मोदी जी आपको अलग से बताएंगे दोस्तों। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं क्या, बोलिए ना मुझे क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं क्या, ना। तो उसके लिए मोदी जी आपको अलग से बताने वाले, लेकिन अगर मैं एज सच आप लोगों के साथ बात करूं, अभी मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो ऐसे केस के अंदर आप यू ही आपकी इच्छा हो गई तो आप सेक्शन 8 कंपनी खोलो, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या, बोलिए मुझे, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता करके, ठीक है। बस मैं वही कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ, यही तो मैं कहना चाहता हूं, है ना। चलिए आइए दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ूं, सभी लोग बोलेंगे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं या मैं आगे नहीं बढ़ सकता, हां सर आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। समझ रहे, समझू है कि नहीं समझू है, बोलो फटाफट सभी लोग, समझू ना, अरे बोलो, हां सर आ जाइए। तो ऐसी वाली बात हम लोग आगे करेंगे, देखिए सुनो 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 सुनो, देखो
सबसे पहले क्या बोला सर? क्यों, अच्छा आपके मन में आया क्या, क्यों सेक्शन 8 वाले परमिशन लेना चाहिए, बताइए मुझे जरा। सर हमें ऐसा लग रहा है कि देखो आपने बोला था कि सेक्शन 8 कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ ये मतलब इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, इन लोगों को कुछ ऐसी पावर्स हम लोग देने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे केस के अंदर है ना, सुनिए बात को, ऐसे केस के अंदर आपको लगता नहीं, मेरा क्या कहना है, आपको ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे परमिशन या गवर्नमेंट को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर गवर्नमेंट को पता होगा कि ऐसी कोई कंपनी है तो इन पे क्लोज वॉच रख पाएंगे कि ये कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही, हमने जो इनके ऊपर समझिए ना बात को भरोसा किया, कहीं ये भरोसे को तोड़ तो नहीं रही है, समझ रहे हैं आप बात को? तो उस चीज के रिगार्डिंग हम लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट के पास अर्जी लगानी होती है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है? देखिए यहाँ पे सुनो, सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो कैसी लाइबिलिटी, लिमिटेड। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कंपनी के जितने असेट्स फुलफिल कर पाए लाइबिलिटी को, बस उतनी ही लाइबिलिटी रहने वाली है, उससे ज्यादा आप मेंबर को नहीं बोल सकते क्या कर बीवी के गहने बेच और मेरे को पैसे दे, आप ऐसा मेंबर्स को नहीं बोल सकते दोस्त, तो ठीक है चलिए आइए। Without the addition of the words limited, oh my god, या private limited to the name issuing the license या condition as the deemed, मुझे एक बात बताइए, limited शब्द का प्रयोग आप कौन से कंपनी के केस के अंदर करते हो? बिल्कुल सही, आप लोग यहाँ पे कह रहे हो सर पब्लिक कंपनी के अंदर हम लोग लिमिटेड शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बराबर ना? तो ये पब्लिक कंपनीज हो गई। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज के आगे शब्द जोड़ा जाता है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड करके, बराबर ना? प्राइवेट लिमिटेड इनके नाम के आगे जोड़ा जाता है कंपलसरी, आपको करना ही, हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे सर बट नाम करो, नो बट, शट, कट टू कट, आपको नाम लगाना ही पड़ेगा, बस खत्म हो गई बात यहां पे, है ना सर? अच्छा नहीं लग रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक है तो लिमिटेड शब्द का प्रयोग करते हुए चलोगे, बस खत्म हो गई, ठीक है सर समझ गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने अभी कंपनीज बताई सर, इनके आगे ना प्राइवेट लिमिटेड शब्द है, ना पब्लिक लिमिटेड शब्द है, ना लिमिटेड शब्द है, ना कुछ, अरे सर ये कैसे कंपनीज है कि जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिट? तो बेटा समझे बात को, मोदी जी ने कहा माफी दे देंगे हम आपको, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर रही है इन लोगों को, तू चिंता मत कर, ये पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड शब्द देख के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने, आप कहीं प्रॉफिट तो नहीं कमाना चाहते, कहीं आप उन्हें लूटना तो नहीं चाहते, एक काम कर, ये प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द का प्रयोग ही मत कर करके, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जाती है। किधर दोस्तों, बोलिए ना मुझे जल्दी से, इस कंपनीज के केस में ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको है ना, आपको विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड्स, आपको शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है, ये पहली वाली बात। दूसरा देखो क्या, द रजिस्ट्रार शॉल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन या AOP एज द कंपनी, मतलब ये कंपनी की तरह रजिस्टर हो रहा है, और ये कौन कर रहा है, लेकिन ROC कर रहा है, ठीक है? तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे रहा है आपको कि आप यूज, एक तो सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, और दूसरा क्या, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे करके, ऐसी वाली बात, ठीक है चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट वाली चीज सुनो। ऑन रजिस्ट्रेशन कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड कंपनी के क्या प्रिविलेजेस होते हैं कि यहाँ पे लाइबिलिटी जो होती है ना, ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो जब लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड हो जाती है ना, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये एक प्रिविलेज हो गया, ये एक राइट्स को आप एंजॉय कर रहे हो, तो ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की गई है। क्या आप इस बात को समझे, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। तो एक सेक्शन 8 कंपनी की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो प्रिविलेजेस एंजॉय करती है लिमिटेड लाइबिलिटी वाले कंपनी के। ओके सर परफेक्ट है। अब देखिए, अब रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सर रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, कैंसलेशन, लिख के रखो वहां पे, आपको बाद में समझना नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस, कि अगर कल चल के आपने विश्वासघात किया बेटा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तुमने विश्वासघात किया, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग लाइसेंस को रिवोक कर लेते हैं। रिवोक करने का मतलब होता है हम लोग लाइसेंस को कैंसिल कर लेते हैं दोस्तों, हम लोग लाइसेंस को फिनिश कर देंगे। सेक्शन 8 कंपनी को जितने भी एंजॉयमेंट, ये जितना उछल रही थी ना हमारे इस पे, हम उस लाइसेंस को ही कैंसिल कर देंगे, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चीजें यहां पे बोली जा रही है। मतलब सर आप मुझे एक बात बताइए, सर आप मुझे एक बात बताइए, लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे क्या? हां, अगर आपने, सुनिए बात को, हम आपको अभी बताने वाले कुछ चीजें, अगर आप कुछ हरकतें करते हो ना, अगर आप कुछ हरकतें करते हो, तो ऐसे केस के अंदर आपका लाइसेंस को हम लोग कैंसिल कर देंगे, बस ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा ये लोग करने जा रहे हैं। चलिए देखेंगे क्या क्या रीजन है लाइसेंस को कैंसिल करने के, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहला,
सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर कंपनी कॉन्ट्रावीन्स विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस इज इशूड और वेयर द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली और वॉयलेटिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और एन रिवोकेशन. सुनिए बात को, देखो भाई साहब इतना भारी लैंग्वेज लिख दिए सर कि लिटरली कुछ समझ नहीं रहा है. कोई दिक्कत नहीं, अब देखो इसको आसान करेंगे अपन. सबसे पहला अपन लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, चलिए आइए सुनिए दोस्तों, ध्यान दीजिए. सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, हम आपके लाइसेंस को दोस्तों क्या करेंगे, हम आपके लाइसेंस को, मित्रों बोलो ना, हम आपके लाइसेंस को रिवोक करेंगे. ठीक है सर, रिवोक करेंगे लाइसेंस को कब, जब आप कॉन्ट्रावीन करते हो एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट को. ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, जो कंपनी के अफेयर्स है ये आप फ्रॉडुलेंटली रन कर रहे हो. तीसरा ऑब्जेक्ट्स वॉयलेटिव है, ऑब्जेक्ट्स और फिर आखिरी में प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट. सुनिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है. सबसे पहला कॉन्ट्रावीन एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब क्या, सुनिए. एक्ट ने कहा था कि आपने आपके प्रॉफिट को अप्लाई करना है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए. आप प्रॉफिट से बेटा डिविडेंड बांट रहे हो, आप प्रॉफिट से मस्त मस्त पे की गड्डियां खरीद रहे हो, कार्स खरीद रहे हो और अपने प्रमोटर्स को दे रहे हो. क्या आपको लगता नहीं आपने जो कॉन्ट्रावीन किया है एक्ट को, जब एक्ट ने आपको मना किया था तो क्या आपकी सही में जिम्मेवारी बनती है ऐसी हरकतें करने की? नहीं सर, ऐसी हरकतें हमने नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है सर, पाप नहीं महापाप किया है हमने. बिल्कुल सही सोचे आपने. तो अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट को, एक्ट आपको कोई चीजें कह रहा था, आपने वो एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को नहीं माना, गए गचकू दिया, आपको क्या करेंगे, आपके लाइसेंस को खत्म करेंगे, रिवोकेशन करेंगे आपके लाइसेंस का. दूसरा, आप कंपनी के अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब होता है एक्टिविटीज को फ्रॉडुलेंटली रन कर रहे हो. फ्रॉडुलेंटली रन करने का मतलब होता है आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग ह्यूमन, बेटा मान लीजिए बीइंग ह्यूमन क्या करता है, पुरानी टी शर्टें बेचता है लोगों को, समझना बात को, पुरानी टी शर्ट आप बेच रहे हो, खराब क्वालिटी के गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, ऐसी वाली बात यहां पे आ रही है. कॉटन का बोला और उसके बाद भलताइज कुछ तो भी चिपका दिया दोस्तों, ऐसे केस के अंदर फ्रॉडुलेंट तरीके से आप क्या कर रहे हो, जब कंपनी के बिजनेस को रन करते हो तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे ये भी आपके लाइसेंस को रिवोक कर देता है या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास पैसा आया, अब आप क्या बोल रहे हो, अब आप है ना, सुनिए, आप यहाँ पे चैरिटी के लिए पैसा दे रहे हो, किसको, अपने एक मेंबर को, आप 10,000 रुपए देते हो चैरिटी भाई तू कर दे करके, जबकि आप अंदर ही अंदर जानते थे चैरिटी का पैसा नहीं है, हम तो मेंबर्स की जेबें भर रहे हैं करके, लेकिन आप ऐसा बता रहे हमने चैरिटी कर दिया 10,000 रुपए के इधर उधर झाड़ लगा दिए करके. ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, आप ऐसे फ्रॉड काम करोगे हम आपके लाइसेंस को रिवोक करेंगे हमें जैसे ही पता चला. देखो जब तक पकड़े नहीं गए बेटा तब तक तो आपको कोई चोर नहीं बोलेगा, लेकिन पकड़े गए तो कूट डालेंगे. ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा गवर्नमेंट कह रहा है. जब आपके ऑब्जेक्ट्स वॉयलेटिव हो जाए, ऑब्जेक्ट्स वॉयलेटिव हो जाए मतलब आपके पर्पस को सर्व ना करे, आपका ऑब्जेक्ट्स वॉयलेट कर रहे हो आप लोग. आपका काम था बेटा क्या, आपका काम था एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, आप बोलते हैं अब एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा, अब मैं कोई रिलीजियस एक्टिविटीज चालू करूंगा करके. ऐसा नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपकी कंपनी आई थी आपको वही ऑब्जेक्ट करना है. अगर आपका काम था रूरल डेवलपमेंट तो अब आप एजुकेशन में नहीं घुस सकते, समझ रहे आप बात को. जिस पर्पस के लिए आप बने हो ना बेटा उसी पर्पस को करते रहिए, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को वॉयलेट मत करिए,
करी और प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके कारण, या आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। सर पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं कर सकते का मतलब क्या होता है, मान लो बेटा यहां पे ना एक सोसाइटी का गार्डन था, ठीक है, सोसाइटी बोल रहा हूं एक नॉर्मल गार्डन था, आप क्या बोलते हो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग है ना यहां पे ना एकदम बढ़िया पैके पूरा पूरा ग्रीनरी कर देंगे, एक नंबर झाड़ी झाड़ लगा देंगे पूरा, है ना, तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करना है करके, है ना, समझिए बात को। आप यहां पे जाते हो उल्टा झाड़ कौन से लगवा देते हो, जो पॉइजनस होते हैं ना दोस्तों, वो पॉइजनस वाले आप झाड़ यहां पे लगवा देते हो, बोले बस अब तो लोगों को ही मारना है करके। तो क्या आपको लगता नहीं यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अफेक्ट कर दिया है करके, आप सोच के देखिए ना। हां सर बिल्कुल सही कह रहे, मतलब सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो क्या कि इनमें से अगर कोई भी हरकत एक कंपनी करती है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगी भाई इसका लाइसेंस रिवोक कर यार, इसका लाइसेंस पहले खत्म कर यार, ये बावला हो गया है कुछ भी कर रहा है करके, है ना। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। बताइए कौन सी चीजें अब आपको समझेंगी। सबसे पहले आप एक्ट के एक्ट में जो कंपनीज एक्ट में चीजें देखे रखे आप उसको कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, दूसरा आप अपने अफेयर्स को आप अपने एक्टिविटीज को फ्रॉड तरीके से चला रहे हो, तीसरा अगर मैं बात करूँ आप अपने ऑब्जेक्ट्स को वॉयलेट कर रहे हो, और चौथा अगर मैं बात करूँ तो आप पब्लिक इंटरेस्ट को आप अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी हो जाए दोस्तों तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि भैया आपकी कंपनी का लाइसेंस हम लोग रिवोक करने वाले हैं, बहुत हुआ करके आप लोगों का, ऐसी वाली चीज यहां पे बोली गई। अब देखो लाइसेंस रिवोक करके रजिस्ट्रार आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाने वाला है, मतलब क्या कि जो अभी तक आपको हम लोग बचा के रख रहे थे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द से, अब हम आपके नाम के आगे ये शब्द भी जोड़ने लगवा देंगे, क्योंकि अब बस बहुत हुआ, अब हम आपको सेक्शन 8 कंपनी में बरकरार नहीं रहने दे सकते। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, रिवोक कर डालेंगे, ये वाली बात यहां पे आ जाती है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे क्या? यस सर। अब देखिए बट बिफोर सच रिवोकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट अ रिटन नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू दैट। लेकिन ये सब तमाशा करने से पहले या ये सारी चीजें करने से पहले ना बेटा, ये जो भी चीज रिवोकेशन, बेसिकली रिवोकेशन करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कंपनी को अप्रोच करेगा और कंपनी को कहेगा भाई तुझे कुछ कहना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, उसे OOBH की अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब उसे हम लोग पूछते हैं भाई तेको अगर कुछ बताना है अपने सफाई में तो हमें अभी हमें सफाई दे दे, हम लाइसेंस को रिवोक नहीं करेंगे, जो भी करना है अभी कर दे, समझ रहे हैं आप बात को, जो भी करना है अभी कर दे, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहां पे रहने वाली है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझे क्या, है ना। यस सर। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा दोस्तों बताइए। अब देखो आपको लर्न हो चुका है, मैं बताता हूँ आपको। देखो सर लाइसेंस रिवोक करेंगे उसकी चार कुछ कंडीशन थी, एक्ट को कॉन्ट्रावेंट किया, अफेयर्स को फ्रॉडुलेंटली रन किया, उसके बाद क्या था देखो, ऑब्जेक्ट्स को वॉयलेट किया या प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक या प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या करेगा दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द कंपनी के नाम के आगे लगा देता है। हाँ सर एकदम बढ़िया आ गया। अच्छा एक और चीज, लेकिन ये सब करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देने वाला है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने वाला है कि भैया अगर आपको कुछ सफाई में कहना है तो सफाई में बोल डालो करके, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझे, बोलो कि आपको रिटेन भी है जरूरी क्या है बेटा, समझने के साथ साथ रिटेन होना, दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ के अंदर। सिर्फ समझ के कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ रिटेन करके कुछ नहीं हो सकता, दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। क्या आप इस बात को, यस सर। चलिए आइए सर, 24 अप्रैल के बाद आपका यूट्यूब मेरा टाइम सेम रहने वाला है, 3 दिन मेरी प्रीमियर क्लासेस चलेंगी और 3 दिन मेरी लाइव क्लासेस चलेंगी, ऐसी वाली चीज रहने वाली है। 9 बजे का टाइम मेरा 9 बजे का ही टाइम रहने वाला है यूट्यूब का, ठीक है, वो टाइम मेरा चेंज नहीं होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आ जाइए अब मैं चलूंगा नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। और अब ये देखो ये वाली सारी चीज अपन ने देखा है ना, ये अभी अभी अपन ने पूरी पूरी चीजें पढ़ी सर, कौन सी चीजें पढ़ी। अब ये अब क्या आपको मैं बोल सकता हूं आपको इस पैराग्राफ के ऊपर कॉन्फिडेंस है करके, सभी लोग बताइए ना क्या आपको कॉन्फिडेंस है इस चीज के ऊपर, बोलो बोलो बोलो, यस सर बोलो बोलो बोलो, यस सर बोलो बोलो बोलो, है ना। चले चले आगे। हाँ आइए मैं अगर बात करूँ आप लोगों से, टैक्स लगता है सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर, नहीं यार उतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही माफ़ी मिल जाती है, लेकिन अगर ये अपने चैरिटी जैसे ये जो भी प्रमोट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, वो प्रमोशन के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो पूरा माइनस कर देते हैं और फिर इनके ऊपर टैक्सेशन का ये आता है, लेकिन फिर भी इनको बहुत सारे बेनिफिट्स अलग अलग दिए गए हैं जो अभी आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं, और मैं अगर आपको बता भी दूँ तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे और आपको टैक्स सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तब जाके आपको काफ़ी
काफी चीजें क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब मैं चलने वाला हूं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, देखिए क्या बोला जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको पढ़वा देता हूँ अभी, एकदम बढ़िया वाला ये वाली चीज है ना, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको ये वाली चीज कल पढ़वाऊंगा आगे आने वाली चीज, और PFI वाला जो पोर्शन है ना यहाँ मैं आपको कल कवर करूंगा। पहले तो नोट्स लिखवाऊंगा और आखिरी के 10-15 मिनट में मैं उसको कवर करवा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, सुनिए मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो देखिए, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी सुन लीजिए सभी लोग बात को, कि भले आप में से हो सकते हैं बहुत सारे लोग प्लस के ऊपर कवर कर रहे हो करके चीज़ें, लेकिन अभी ये जो कंपनीज एक्ट है थोड़े दिन और हमारा चलने वाला है, एक आध हफ्ता और चलने वाला है, तो ऐसे कि इसके अंदर आप इसको यूट्यूब से ही कवर करते हुए रहेंगे। हो सकता है आपका लाइव क्लास अगर सुबह प्लस के साथ क्लैश होता है तो आप प्लस देखेंगे और फिर बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कवर करते हुए चलेंगे, तो ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो आपका डबल रफ्तार से सारी चीज़ें, क्योंकि मैं प्लस के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट चालू करने वाला हूं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, वेयर द लाइसेंस इज रिवोक देन द सेंट्रल देयर अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर दैट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमलगमेटेड विद अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज पावर राइट्स एंड अथॉरिटीज एंड सच लाइबिलिटी एंड ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर और द कंपनी में वाउंड अप करके, और क्या बोला दूसरा, और द कंपनी में वाउंड अप। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, एकदम जोरदार कंसेप्ट, मजा आ गया ये तो। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, आपको OOBH देने के बाद ऑर्डर पास कर सकती है। ऑर्डर पास किस चीज का कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है कि आपको अमलगमेट करवा दिया, अमलगमेट का मतलब होता है आपका मिलन करवा दिया, और दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर एक तो आपको पूरा के पूरा बंद करवा दिया, क्लोज करवा दिया, वाउंड अप, वू बोला जाता है इसे, वाउंड अप करवा दिया आपके कंपनी को, खत्म कर डाला करके, ऐसी वाली बात है। सर अमलगमेशन का मतलब क्या है, जैसे देखो ए करके कंपनी है बेटा, जो क्या है सेक्शन 8 कंपनी, इसका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट था एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने का, तो मैं कहूंगा देखो यार रिलायंस फाउंडेशन जो है ना इसका भी सिमिलर ऑब्जेक्ट मुझे नजर आ रहा है ना, तो एक काम करो ए फाउंडेशन, तुम्हारे असेट और तुम्हारी पूरी लाइबिलिटीज इसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसे, रिलायंस फाउंडेशन को, और अब रिलायंस फाउंडेशन ए जो है ना वो अमलगमेट हो जाएंगे रिलायंस फाउंडेशन के साथ, मतलब अब उसका मिलन हो जाएगा रिलायंस फाउंडेशन के साथ, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है, इसे अमलगमेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमलगमेशन, जब हमने पूरे इसको ट्रांसफर कर दिया। और वाउंड अप का मतलब क्या होता है कि एक काम करो खत्म करो आपके कंपनी को, किसी दूसरे कंपनी में मर्ज नहीं करना है, असेट्स को बेचो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, बचा कुचा पैसा हमको दे दो, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, ऐसी वाली दो चीजें अलग अलग है। देखो दो कंसेप्ट क्या, ये वाली जो कंपनी है ना पहले वाले केस में अमलगमेशन में ये वाली कंपनी अभी भी चलती रहेंगी, बस इसका ब्रांड नेम चेंज हो जाएगा, अब इसका नाम रिलायंस फाउंडेशन के अंदर लोग काम करेंगे। आप समझ रहे बात को जो मैं कह रहा हूं आपके साथ, लेकिन यहां पे पूरा कंप्लीटली सब कुछ बंद हो जाएगा, यहां पे जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, बस अब करता धरता कौन रहेगा उनका, रिलायंस फाउंडेशन। यहां पे वैसा नहीं है दोस्तों, वाउंडिंग अप के केस में हम आपको बंदी करवा रहे हैं, पूरा पूरा खत्म, फिनिश, टाटा गुड बाय, गया है ना, खत्म खत्म, कुछ नहीं रखना है हमको, तो ऐसी वाली बात यहां पर चल रही है। कौन से इसमें, वाइंडिंग अप वाले केस में, ये वाली, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है जिसके बारे में मैं अभी आपके साथ चर्चा किया। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं क्या, बोलिए ना। तो अमलगमेशन का एक प्रकार से एक टर्म आप यहां पे लिख सकते हो मर्जर करके, क्या बोलेंगे हम लोग, मर्जर, मर्ज करवा देना एक कंपनी को दूसरे कंपनी से, ये वाली चर्चा यहां पे होती है। क्या समझे, कहो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं ना। यस सर, चलिए आइए अब देखो, अब रीड करेंगे। देखो लाइसेंस इज रिवोक, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर सकती है, अमलगमेट, और ऐसे कंपनी के साथ बेटा जिसका क्या होना चाहिए, सिमिलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉपर्टीज या पावर्स एंड राइट्स या अथॉरिटीज एंड प्रिविलेजेस या लाइबिलिटीज ड्यूटीज, जो सेम जिसका ये सारी चीज है ना, तो हम लोग उसको असेट्स लाइबिलिटीज प्रिविलेजेस सारे के सारे ट्रांसफर कर देते, या और द पब्लिक या कंपनी को वाइंड अप करवा देंगे, मतलब कंपनी को बंद करवा देते हैं, ऐसी वाली बात या ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे हो रही है। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं क्या, है ना, अच्छे से समझा। यस सर, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहने वाला है अपना, अभी क्लास को मैं समाप्त करूंगा, कल मिलेंगे, कल नोट्स बनाएंगे और उसके बाद कुछ एक दो कंसेप्ट को और कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि परसों से मैं रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का कंसेप्ट थोड़ा स्टार्ट कर सकूं, राइट। चलिए आज के लिए करेंगे इतना, आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है, पाप नहीं महापाप कर रहे आप, अच्छी बात नहीं है, आप यहाँ पे लेक्चर को लाइक कीजिए। तब तक मैं आपको एक जबरदस्त चीज बता देता हूँ कि अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप
आपको unacademy.com के ऊपर जाना है, उसके बाद सी ए फाउंडेशन को क्लिक करना है। जैसे ही आप सी ए फाउंडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ पे आपको सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आ जाता है। सब्सक्राइब नाउ के ऊपर क्लिक करते से ही आपको क्या नजर आएगा, आपको 25% ऑफ नजर आएगा सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लाइक लिटरली 25% ऑफ चल रहा है और ये वैलिड कब तक है, 24 अप्रैल तक। तो खास आप लोगों के लिए हम पूरे बाहुबली टीम के रिक्वेस्ट के ऊपर, समझिए पूरे एजुकेटर्स के रिक्वेस्ट के ऊपर यहां पे कंपनी ने 25% ऑफ लाया ताकि आप लोग सब्सक्रिप्शन ले पाए। और काफी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 25% गया था, तो हमने वही कहा कि यार अभी अगर बैच आ रही है तो ऐसे केस में आप लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर आप यहां पे आईजी सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं और आपको यहां पे कितना मिल जाता है, आपको यहां पे 25% ऑफ मिल जाता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? यस सर। देखो, तो आप आईजी सर इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दोस्तों मिल जाता है, जो कि कितना है, 25% है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसे फैला दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा आपने कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन सर हमने लेना चाहिए, तो देखो 25% ऑफ भी है, 6 महीने के ऊपर 2 एक्स्ट्रा महीने फ्री भी मिल रहे हैं। तो भाई फिर तो आपने 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ, पैसा भी बच रहा है और ज्यादा ड्यूरेशन भी मिल रहा है, मतलब और ज्यादा सेविंग हो रही है आपकी, ऐसी वाली बात है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपका December 23 हो जाता है। लेकिन उससे भी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन मैं बताऊँ तो 24 मंथ्स आपने सिलेक्ट किया प्लस का, उसके बाद प्रोसीड करें और उसके बाद कॉम्बो। मैं आइकॉनिक भली नहीं, लेकिन प्लस तो मैं जरूर से सजेस्ट करूंगा, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन वाला भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लस का, जहां पे 39,000 या 40,000 के अंदर आपका लिटरली पूरा फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कवर हो जाता है। इंटरमीडिएट के पूरे 8 सब्जेक्ट, फाउंडेशन के पूरे 4, यानी कि टोटल 12 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं, कौन से, मात्र एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, और वो कौन सा है, ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। तो सबसे बेहतरीन समय है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेने का ये, ताकि इसमें आपका फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों कवर हो जाए। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी पता लगा लीजिए, अगर आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट मतलब इससे कम में मिल ही नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम में मिल ही नहीं सकता, और इतना क्वालिटी एजुकेशन में तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता, राइट। तो अगेन आप यहां पे प्रोसीड टू पे करेंगे तो यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। आप अलग अलग ईएमआईस के ऑप्शंस होते हैं, आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल होते हैं, आप उसको जरूर से देख सकते हैं, राइट। तो एकदम बढ़िया तरीके से आप मिलिए हमसे कल कितने बजे, 9 बजे हम लोग मिलने वाले हैं, आप ले सकते हैं, 25% ऑफ चल रहा है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।